नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों को वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज करें ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आपको मतदाता सूची में सुधार करने की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अब मेरा ऐप डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। अब हमें लैंग्वेज चुन करके गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा। सबसे पहले हमें एक आईडी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगा। मैं पहले अपना आईडी को बना ले रहा हूँ। उसके लिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। ओटीपी और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें तीन डॉट पे जो तीन लाइन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रपत्र 6 यानी फॉर्म 6 को सिलेक्ट करना है। अप्लाइंग द फर्स्ट टाइम पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर हमें अपना राज्य चुनना है, जो भी आपका राज्य हो उसे चुनेंगे। उसके बाद ज़िला चुनना है, इसमें जो ज़िला होगा उसको आपको चुन लेना है। ज़िला चुनने के बाद नीचे में असेंबली आता है, मतलब आपका विधानसभा का नाम। विधानसभा का नाम आपको जो है अल्फाबेटिकल सिस्टम से दिया हुआ है। इसमें आप स्क्रॉल करके अपना जो भी विधानसभा हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे। ऊपर में ईस्वी का आइकॉन है, ईस्वी को सबसे पहले हम चुन लेंगे कि आपका कौन सा ईस्वी है। ईस्वी चुन लेने के बाद हमें मंथ चुनना होगा कि कौन सा मंथ है। तो मेरा जनवरी है, तो इस तरीके से स्क्रॉल करके हम जनवरी पे चल जाएंगे। उसके बाद डेट को क्लिक करेंगे। नीचे हम जब आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण दीजिए। तो मैं अपना आधार कार्ड को लगा रहा हूँ। यहाँ अपलोड पर जाएंगे, गैलरी से फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे। पहले अलाउ कर देते हैं। गैलरी में जाकर मेरा फ़ोटो है, वहाँ से मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए क्रॉप का एक ऑप्शन आएगा, उससे क्रॉप कर करके फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड ए पिक्चर कर रहा है, यहाँ पर आवेदक का तस्वीर मांग रहा है। तो सबसे पहले इसको भी हम अलाउ कर देंगे। कैमरा से भी हम फ़ोटो को खींच सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो को मैं खींच रहा हूँ। फ़ोटो को खींच लेने के बाद हम इसे भी फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे क्रॉप करके। हमें फ्रेम में फुल फ़ोटो चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि फ़ोटो छोटा छोड़ देते हैं और फ्रेम पूरा खाली रह जाता है, इसके चलते उनका अच्छा फ़ोटो नहीं आ पाता है। कृपया इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि फ्रेम के हिसाब से फ़ोटो हो। मैंने फ़ोटो एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, फीमेल डाल दिया। अब यहाँ पर आवेदक का नाम डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नेम और सरनेम दो चीज़ यहाँ पर पूछता है। इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधिकांशतः आवेदक द्वारा ये गलती कर दी जाती है। नाम में जो है उसका नाम डालना है और सरनेम में उसका टाइटल डालना है। जैसे मैं रमेश कुमार, तो रमेश नाम हो गया, कुमार सरनेम हो गया। आपको यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी में टाइप करना होगा। नीचे वाले कॉलम पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका हिंदी में स्वतः अपने आप आ जाता है। अगर उसमें कुछ गलती हो हिंदी में तो आप उसको मैनुअल हिंदी लैंग्वेज करके सुधार सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना है, तो मैं अपना यहाँ पर आधार नंबर को डाल ले रहा हूँ। आधार नंबर डाल लेने के बाद नीचे में मोबाइल नंबर है। यहाँ पर दो तरीके का ऑप्शन दिया गया है कि क्या मोबाइल नंबर आपका है या फिर आपके परिवार का है। अगर वो मोबाइल नंबर आपका हो तो ऊपर वाले में डालना है, अगर वो मोबाइल नंबर आपके परिवार का हो तो नीचे वाले में डालना है। उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास ईमेल आईडी उपलब्ध है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे पूछता है
विकलांगता का प्रकार, अगर आप विकलांग हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर लेसन टाइप जो भी हो डाल करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रिलेटिव का नाम डालना है, जैसे अगर पुरुष का है तो पिता का नाम डालना होगा, महिला का है तो पति का नाम डालना है, जो भी उनका रिलेटिव नेम हो उसको यहाँ पे हमें दर्ज करना है। यहाँ देखिए इनका नाम मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करने के बाद हिंदी में स्वतः और नाम आ जाता है। मैंने नाम डाल लिया, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपका हाउस नंबर अपार्टमेंट नंबर हो, अगर आप शहर में नहीं हैं देहात में हैं, तो आप अपने BLO से परिवार का गृह संख्या जो वोटर लिस्ट में दर्ज हो वो पूछ ले और उसी को दर्ज करें। नीचे में स्ट्रीट लोकेलिटी मोहल्ला का नाम है, जो भी आपका नाम हो मोहल्ले का एरिया का उसको डाल लेना है। इसके बाद नीचे में विलेज है आपके गांव का नाम, यहाँ पर डाल लेना है। इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में जब क्लिक कीजिएगा अपने आप हो जाता है टाइप। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमें अपना पोस्ट ऑफिस को फिल कर देना है। पोस्ट ऑफिस को फिल कर देने के बाद हमें उसी प्रकार से नीचे क्लिक करना है, हिंदी में आ जाएगा। अगर कुछ अशुद्धि इसमें हो तो हम इसको मैन्युअली अपने फ़ोन के लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी में हम उसको टाइप कर सकते हैं, ताकि जो सही मेरा शब्द हो वही आए। इसके बाद नीचे में पिन कोड पूछ रहा है, तो आप अपना पिन कोड को इसमें दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद मैं अपना दर्ज कर ले रहा हूँ। नीचे में पूछ रहा है तहसील तालुका मोहल्ला, इसका मतलब होता है आपका प्रखंड कार्यालय कहाँ है, प्रखंड या अंचल, तो मेरा जहाँ भी है वहाँ पर डाल लेना है। नीचे में पूछ रहा है एड्रेस प्रूफ, आप एड्रेस प्रूफ में क्या दे रहे हैं, तो मैं अपना बैंक पासबुक दे रहा हूँ, तो यहाँ पर बैंक पासबुक को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अपलोड पे जा करके गैलरी में मेरा फ़ोटो है, तो मैं वहाँ से जा करके अपलोड कर ले रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं, वो इसी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, उसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने अपलोड कर लिया है एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ पर लेसन टाइप पूछ रहा है, हस्बैंड मैंने डाला है डाल करके। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर परिवार का नाम पूछ रहा है, उसका नीचे में वहाँ EPIC नंबर डाल रहा है। नीचे में आप लोग EPIC नंबर परिवार का ज़रूर डालें, ताकि जब भी आपका नाम जुट कर आएगा तो उनके साथ आपका नाम जुटा हुआ रहेगा, मतदाता सूची में दोनों का एक साथ नाम रहेगा। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन में पूछ रहा है आपका जन्म किस राज्य में, किस जिले में तथा किस गांव में हुआ है। आप अपना जिला गांव भर देंगे। उसके बाद आप इस वर्तमान पते पे कितना दिन से रह रहे हैं उसको भी यहां पर आपको दर्ज कर लेना है, कम से कम 6 माह पहले का होना चाहिए। अब यहां पर नाम है, नीचे में अपना पैलेस डालेंगे, डाल करके यहां पे डन कर देंगे। डन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, इसमें 5 मिनट का समय देता है। इसमें आपको एक बार अपना सारा डिटेल को चेक कर लेना है कि जो डिटेल आपने दर्ज किया है वो सही है अथवा सही नहीं है। सही अगर है तो आप इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, अगर कोई गलती है तो आप बैक करके एडिट कर सकते हैं। मैंने कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद एक रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद आपको एक काम और करना होगा कि आपको इस रेफरेंस नंबर तथा आपका जो डॉक्यूमेंट आपने लोड किया था उस डॉक्यूमेंट के साथ अपने BLO के पास जा करके अपने आवेदन का सत्यापन करवा लेना होगा, जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा।